चैप्टर का नाम बताओ। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब जो ये चैप्टर है ये आपको डेफिनेशन बताएगा, ठीक है, कि उनके हिसाब से माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है। इनका एक सेपरेट एक्ट है, ठीक। ये जो एक्ट है स्पेशली इन्हीं के लिए बनाया गया है ताकि क्या कर सके, इन एरियाज को, इन स्मॉल बिजनेसेस को, इन माइक्रो, इन मीडियम एंटरप्राइजेस को क्या कर सके, डेवलप कर सके और इनको प्रमोट कर सके, ठीक है। तो ये चैप्टर सोलली बस इनको लेकर है और ओवरव्यू दे रहा है। एक्ट का नाम देखो क्या लिखा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। तो वापस से एक बार एक्ट का नाम बोलेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और उसके बाद क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट एक्ट। कब आया था ये, 2006 में। अब इस चैप्टर में बस एक्ट नहीं पढ़ेंगे, एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, रूल्स, और फिर क्या पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, ठीक है। अब ये एक्ट तो समझते हैं, एक्ट बोलता है क्या क्या करना है, रूल्स बोलता है कैसे करना है। अब ये नोटिफिकेशन सर्कुलर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी टाइम टाइम पर कुछ नोटिफिकेशन देता रहता है, ठीक है, कुछ बताता रहता है कि इनके अलावा और भी चीजें जो हमें फॉलो करनी चाहिए। कुछ नोटिफिकेशन दे देगा, नोटिफिकेशन मतलब अपने ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफाई कर देगा, सर्कुलर पास कर देगा, सबको बता देगा कि भाई सर्कुलेट कर देगा। तो ये सारी चीजें मिक्स करके इस चैप्टर में बता के रखिए, ठीक है। तो क्या क्या है, एक्ट, देन रूल्स, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। नोटिफिकेशन सर्कुलर कौन देता है, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन में जनरल जनरल बातें कर रखी है, ये जनरल जनरल बातें एक्ट को लेकर बात कर रहा है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है ये डेफिनेशन देता है। क्या बस डेफिनेशन देता है, नहीं, इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने बता के रखा है क्या क्या देता है, और इसके बाद पूरे चैप्टर में वही पढ़ने वाले, तो ये पैराग्राफ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट कर दिया इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सारी डेफिनेशन बतानी चालू कर दिए। सबसे पहली डेफिनेशन क्या लिखा है बताओ, अंदर अपन नहीं पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। एडवाइजरी कमेटी क्या होगी, जो एडवाइस करेगी, मतलब एक कमेटी है, एक ग्रुप है जो हमें क्या करेगा, एडवाइस। ये कमेटी है, ये कमेटी किसने बनाई है, सीजी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्यों बनाई है, ताकि एडवाइस कर सके, क्या चीजें एडवाइस करेंगे, एक बार बस कॉमन सेंस लगाओ। एक्ट का नाम क्या, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और एक्ट का नाम क्या, डेवलपमेंट। तो कैसे इनको डेवलप किया जाए, इसको लेके क्या देंगी, एडवाइस देंगी, किसको देंगी, सीजी को। सीजी ने बनाया, सीजी को एडवाइस किया जाएगा ताकि वो एक्ट में, ठीक है, इस तरीके से प्रमोशन कर सके, डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है, अपॉइंटेड, एक डे डिसाइड कर रखा है, ठीक है। अभी अपॉइंटेड डेट क्या होता है, उस डे को हम अपॉइंटेड डेट बोलते हैं, उन्होंने बोला एक्सपायरी ऑफ द 15 डेज, 15 डेज जब खत्म हो जाएंगे। ये 15 डेज कहाँ से, फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन आपने एक्सेप्ट किया, या फिर डीम्ड एक्सेप्टेंस, मान लिया जाएगा कि एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, गुड्स या फिर सर्विसेज बाय द बायर फ्रॉम द सप्लायर। जिस दिन बायर ने सप्लायर से क्या ले लिया, गुड्स ले ली, या फिर क्या ले लिया, सर्विसेज ले ली, वहां से कितने दिन, 15 दिन, जब खत्म हो जाएंगे। एक्सपायरी लिखा है ना, देखो टर्म, देखो क्या लिखा है, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस। आज अगर मैंने गुड्स ले लिया, आज मैंने बायर ने खरीद लिया, ठीक है, खरीदने के 15 दिन के बाद, जो भी वो 16th डे होगा, उस डे को हम क्या बोलते हैं, अपॉइंटेड डेट। इन्होंने अपॉइंटेड डेट वर्ड क्यों समझा है, क्योंकि आगे चल के उसका यूज है, ठीक है। तो अपॉइंटेड डेट क्या है, जिस दिन खरीद लिया वहां से 15 दिन के बाद, 15 दिन जिस दिन खत्म हो जाएंगे, वहां से 16th जो डे होगा उसे हम बोलेंगे अपॉइंटेड डेट। क्लियर है, बढ़ो आगे। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट में बोर्ड मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर मैं सिक्योरिटीज की बात करूं, सिक्योरिटी लॉ, सेबी की बात करूं, तो सेबी एक्ट जब पढ़ते हैं, वहां बोर्ड मतलब क्या होगा, सेबी बोर्ड। तो हर जगह बोर्ड की डेफिनेशन अलग होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड क्या होता है, तो आप कभी भी ऐसे खड़े होकर नहीं बोल सकते हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। इट्स डिपेंड किस एक्ट की बात कर रहे हो। कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेबी की बात कर रहे हैं तो सेबी बोर्ड। तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग बोर्ड बनता है। तो इन्होंने कहा भैया बोर्ड मतलब इस एक्ट में, बोर्ड का मतलब क्या है, नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, जो यहाँ स्टेब्लिश है, मतलब इस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी जैसी होगी। अगर मैं स्टॉक मार्केट से शेयर्स वगैरह खरीद रही हूँ, तो वहाँ सेबी, सेबी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक करे कि सारे काम ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। सेम यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन एंटरप्राइजेस को लेकर सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही, तो इसके लिए अलग से एक बोर्ड है जिसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल बोर्ड, और ये 3 नाम इंसर्ट कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है,
एंटरप्राइज, या इस पूरे चैप्टर में जहां कहीं भी आपको एंटरप्राइज दिखेगा, दैट मींस वो एंटरप्राइज से मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, या फिर वो बिजनेस, या फिर एनी द एस्टेब्लिशमेंट जो क्या काम करिए, इंगेज है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, किसके गुड्स में, जो भी स्पेसिफाइड है. फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल किसका, क्या लिखा है पढ़ो, इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट. एक अलग से एक्ट है, एक अलग से एक्ट है. एक्ट का नाम क्या है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट. उसके कौन से, फर्स्ट शेड्यूल पे. अब देखो कुछ चीजें ये लोग यहाँ पे फुल फॉर्म बता दिया ना एक्ट का, अब आगे चल के सीधा शॉर्टकट यूज करेंगे तो आपको पता होना शॉर्टकट क्या हो जाएगा इसका, IDRA. ठीक है, IDRA, एक IDRA एक एक्ट है. इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में पूरी लिस्ट दे रखी है. अब जो वो लिस्ट में जो भी गुड्स के नाम दे रखे, अगर आप वो सारे काम कर रहे हो तो हम आपको एक एंटरप्राइजेस मानेंगे. तो समझ जाना जहां कहीं भी एंटरप्राइजेस होगा उसका मतलब यहां दे रखा है. नेक्स्ट क्या दे रखा है, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल. ये बार बार वर्ड यूज हो रहा है, इन्होंने यहाँ डिफाइन नहीं कर रखा है. इन्होंने कहा कि भाई आगे चल के देखेंगे, आगे चल के जो यहाँ पे आपको ये फ्लो चार्ट दिखेगा यहाँ दे रखा है. ठीक है, उन्होंने भी वहां पे डेफिनेशन अभी नहीं दी है, आगे चल के पढ़ेंगे. नेक्स्ट कहाँ सप्लायर लिखा है, अभी मैंने अपॉइंटेड डेट पढ़ाया था. व्हाट डू मीन बाय अपॉइंटेड डेट बताओ. वेरी गुड, जिस दिन गुड्स खरीदा वहां से 15 दिन के बाद जो 16 डे होगा वो होगा अपॉइंटेड डेट. ठीक, अब ये गुड्स कौन खरीद रहा है, बायर. किसे खरीद रहा है, सप्लायर से. तो ये अभी सप्लायर की बात करें, सप्लायर से हमारा मतलब क्या है. द टर्म सप्लायर से मतलब माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं, विच हैज फाइल्ड क्या, मेमोरेंडम. मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम, ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो क्या, रिकॉर्डिंग के लिए रखते. वेरी गुड, इन्होंने कहा सप्लायर क्या करेगा, मेमोरेंडम फाइल करेगा. किसे फाइल करेगा, अथॉरिटी. अथॉरिटी का नाम दे रखा है, नहीं. जब भी अथॉरिटी का नाम नहीं दे रखा होगा तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, नहीं, ये अब कंपनी लॉ नहीं चल रहा है. ठीक है, ये कंपनी लॉ नहीं है तो प्लीज हम कंपनी लॉ वाले टर्म भी यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे ROC एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. इनका एक्ट अलग है. ठीक है, माइक्रो किसे बोलेंगे, ये भी स्मॉल नहीं, हमने वहां पे स्मॉल कंपनी पढ़ा था. तो यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम आ रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल की डेफिनेशन वाली होगी क्या, नहीं. वो एक्ट अलग है, ये एक्ट अलग है. तो एक्ट के अकॉर्डिंग वहां स्मॉल कंपनी बोलते थे, यहाँ पर स्मॉल एंटरप्राइजेस बोलेंगे. अब यहाँ पे इन्होंने एंटरप्राइज का मतलब बताया ना आपको, एंटरप्राइज से मतलब क्या है, वो इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कर रही है गुड्स का. कौन से गुड्स, जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ IDRA में दे रखे. क्लियर है, तो एंटरप्राइज से मतलब उन एंटरप्राइजेस से जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है. ठीक है, चलो सप्लायर कौन, आ जाओ. सप्लायर उन्होंने क्या बोल दिया, वो होता है जो मेमोरेंडम फाइल करता है. स्पेसिफाइड अथॉरिटी, अब स्पेसिफाइड क्या होगी, जो भी CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी SG बोले तो स्टेट गवर्नमेंट, जो अथॉरिटी बोल देगी वो अथॉरिटी होगी हमारी. ठीक है, बढ़ू आगे. चलिए अब इन्होंने बोला इंक्लूड, सप्लायर में इंक्लूड होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन. अब इन्होंने बनाया क्या है, समझो, स्मॉल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है क्या, वो एक कंपनी है जो कि रजिस्टर क्या है, एज पर पुराना कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि स्टेट की या यूनियन की है, या फिर यूनियन मतलब सेंटर की, यूनियन मतलब क्या होता है, सेंटर, एज पर कंपनीज एक्ट पुराना, या फिर कोई भी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट समझते हो, ट्रस्ट समझते हो ना, पढ़ा है अपने डिटेल में. चलो कोई भी बॉडी, वॉट एवर नेम कॉल्ड, जो इसका भी नाम आपको बोलना है बोलो, लेकिन वो रजिस्टर्ड हो एनी लॉ. अगर हम बोल रहे हैं सप्लायर कौन है, सप्लायर वो सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को एज अ कंपनी दे रखा है, एज अ ट्रस्ट बना के रखा है, वो सब जो बस रजिस्टर्ड हो और इंगेज हो क्या करने में, सेलिंग गुड्स, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, उनसे उनसे जो भी ये काम है ना इनका निकल रहा है, चाहे वो एंटरप्राइज रेंटिंग सर्विस, उन सबको हम एक साथ क्या बोलते हैं, सप्लायर. कुछ नहीं, सप्लायर कौन है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को क्या कर रहा है, बच्चा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब सप्लाई कर रहा है एक तरीके से. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पूरी डेफिनेशन खत्म होती है. डेफिनेशन के बाद इन्होंने कहा हमने एक बोर्ड पढ़ाया था, यहाँ पे बोर्ड का मतलब क्या है, नेशनल बोर्ड किसका, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है, MSME. चलो कौन बनाता है इसे, CG. CG ने बोला कि भैया इसमें कौन कौन होंगे, ये देखो पूरी लिस्ट दे रखी है, ये सारे मेंबर्स होंगे. चलिए पहला आप लोग रीड करेंगे, फटाफट रीड करो. हम क्या पढ़ रहे हैं, इस बोर्ड में कौन बैठता है, इसका कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं. पहला पॉइंट रीड करो.
समझ में आया? ये क्या होता है बताओ? एक्स ऑफिशियो कहाँ पढ़ा? आंसर बिल्कुल सही दे रखा है, मैंने तो नहीं पढ़ा है। चलो वेरी गुड, मतलब तुम लोग लॉ की लैंग्वेज रीड करने लगे हो, वेरी गुड। एक्स ऑफिशियो मतलब जो पहले, लेकिन कहाँ था वो पहले? चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड, यहाँ बोर्ड लिखा है, बोर्ड से मतलब क्या है? नेशनल बोर्ड, ठीक है। वापस हम पढ़ रहे हैं कि भाई जब हम कमिटी बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, कमिटी ने सॉरी, जब ये बोर्ड बनाते हैं तो इस बोर्ड में कौन कौन होता है? तो पहला क्या बोल दिया? मिनिस्टर इन चार्ज, उस मिनिस्टर की बात करते हैं जिसके पास इंचार्ज है। किसका इंचार्ज है? मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, किसका? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि ऑलरेडी क्या होना चाहिए? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होना चाहिए किसका? बोर्ड का। वो मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर यहां पर रहेगा। देन अब यहां पर ऊपर किसकी बात हो रही थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है? स्टेट की, ठीक है। चलो मिनिस्टर किसका? स्टेट का, या फिर डिप्टी मिनिस्टर इफ एनी, अगर है तो, अदरवाइज नहीं। मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, दिस इज एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, वेयर देयर इज नो सच मिनिस्टर, अगर स्टेट में नहीं है, डिप्टी मिनिस्टर नहीं, तो सच पर्सन मे बी अपॉइंटेड बाय द सीजी टू बी वाइस चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, अगर है तो यही, अगर नहीं है तो जो वो अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट, छह और मिनिस्टर चाहिए हमें, कहाँ के चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, हैविंग, जिनके पास इन सारे एरिया का क्या होना चाहिए? कंट्रोल, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन शॉर्ट पहले में क्या बोल दिया हमें? सेंट्रल लेवल का मिनिस्टर, पहले वाले में क्या बोल रहा है? सेंट्रल लेवल का मिनिस्टर, दूसरा स्टेट लेवल का, नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। तीसरा क्या बोल दिया? स्टेट गवर्नमेंट के छह मिनिस्टर्स चाहिए, ठीक है, तीन मेंबर चाहिए किसके? पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से दो क्या होने चाहिए? इलेक्टेड बाय हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा, वेरी गुड, बस इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है, एंड वन बाय द काउंसिल ऑफ द स्टेट, मतलब राज्यसभा, मतलब तीन हमें चाहिए, तीन हमें क्या चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन तीन में से दो कहाँ के होंगे? लोकसभा के, एक कहाँ का होगा? राज्यसभा का। एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए हमें किसका? यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी समझते हैं, यूनियन टेरिटरी की पूरी लिस्ट है, ठीक है, सीजी अपॉइंट करेगा जो एक्स ऑफिशियो होगा। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंचार्ज जो मिनिस्टर का होगा। फोर्थ, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिप्रेजेंट करेगा मिनिस्टर, समझ रही है सब क्या है? ये है क्या मुझे बताओ? एक लोग, 20 लोग, 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग, ये क्या है? बोर्ड में बैठने वाले मेंबर्स। तो ये पूरी लिस्ट आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएंगे इंपॉर्टेंट, बोर्ड, बोर्ड समझ गए, बोर्ड मतलब क्या? नेशनल बोर्ड। इन इस साल भर में, साल भर बोल रखा है, देखना, एटलीस्ट वन इन एवरी 3 मंथ्स, 3 मंथ्स मतलब क्वार्टर बोल सकते हैं, वेरी गुड। इन्होंने बोला भैया हर 3 महीने में एटलीस्ट एक बार मिलिए इन अ ईयर, तो मतलब कि कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। इन 4 क्वार्टर्स में कितनी बार मिलना पड़ेगा? एटलीस्ट एक बार तो मिलिए, ताकि आपकी क्या हो जाए? 4 मीटिंग हो जाए, क्योंकि बोर्ड अगर आपस में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, इन सबको बैठकर मिलकर बैठकर डिस्कशन करना चाहिए कैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को डेवलप किया जाए। नेक्स्ट क्या दे रखा है बोर्ड के काम? आ जाइए, पहला काम क्या है? एग्जामिन कराना। दूसरा क्या है? रिकमेंड करना। तीसरा क्या है? एडवाइस करना। वापस, पहला एग्जामिन करना, क्या एग्जामिन करना? वो सारे फैक्टर्स जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं प्रमोशन को, मीडियम सॉरी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हमें क्या करना है बच्चा? प्रमोट करना है, डेवलप करना है, रिव्यू करो जो भी सीजी ने पॉलिसीज बना के रखी है वो सही से है कि नहीं। तो पहला एग्जामिन करो कि भाई सच में ये काम करेगा कि नहीं। दूसरा रिकमेंड करो मैटर्स, वो सारे मैटर्स रिकमेंड करो जो इनको आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा एडवाइस करो सीजी को कि भाई कैसे फंड को यूज किया जाए, जो भी फंड उनके पास है एज पर एमएसएमई के अकॉर्डिंग, ताकि हम इनको ये फंडिंग देकर हम क्या कर सके? प्रमोशन डेवलपमेंट। तो 3 काम है, पहला एग्जामिन, दूसरा रिकमेंड, तीसरा एडवाइस, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। इन्होंने बोरिंग तरीके से जो यहां पर बताया है, यही सारी माइक्रो स्मॉल मीडियम, हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है, इसी क्लासिफिकेशन को उन्होंने अच्छे प्रेजेंटेशन में नीचे बता के रखा है। तो सीधा अच्छे प्रेजेंटेशन में आएंगे, सेम बातें लिखी है, बस वो पैराग्राफ पैटर्न है और ये फ्लो चार्ट पैटर्न है, ठीक है। चलिए एमएसएमई की बात करेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस रिवाइज क्लासिफिकेशन।
अब देखो ऊपर उन्होंने पुराना डेटा भी दे रखा है, पुराने डेटा मत देखना, फ्री में कंफ्यूज हो जाओगे, नए डेटा देखना। कब से? 1 जुलाई 2020 से रिवाइज क्लासिफिकेशन है, मतलब लिमिट चेंज हुई है। पहले लिमिट कुछ और थी, अब लिमिट कुछ और है, ठीक है। अभी बस लिमिट देखेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। इन्होंने बोला कि हम क्या बोल रहे हैं, कंपोजिट क्राइटेरिया, इसमें क्या बोल रखा है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, और क्या लिखा है, टर्नओवर, दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड, मतलब दोनों साथ में फुलफिल होना चाहिए। चलिए समझते हैं कैसा। इन्होंने कहा कि कोई भी एंटरप्राइजेस क्या कर रही है, या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एंड, या फिर क्या कर रही है, सर्विसेज दे रही है, हम लिमिट साथ में देखते हैं। हम कैसे बोलते हैं कोई एक एंटरप्राइजेस माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, तो उसकी लिमिट ये है। आ जाओ पहला, कब बोलेंगे माइक्रो है, अगर इन्वेस्टमेंट किसका है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और क्या लिखा है, इक्विपमेंट, कितना, अप टू 1 करोड़, एंड मतलब प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, 1 करोड़ का, एंड टर्नओवर क्या होता है, सेल, एनुअल टर्नओवर आपका कितना है, 5 करोड़। दोनों कंडीशन का फुलफिल होती है, अप टू 1 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़, तो हम मानेंगे आपका बिजनेस क्या है, स्मॉल, सॉरी माइक्रो, माइक्रो में आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल। देखे क्या हो गया, बस लिमिट्स मेरे ख्याल से पड़ी है, डिटेलिंग नहीं पड़ी है, है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन किस में पड़ा था, टॉप नहीं, सब्जेक्ट क्या, लीगल में ही पढ़ाया था मैंने, हाँ वही मैंने नहीं पढ़ाया, इकोनॉमिक्स में होगा। चलो, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर दोनों की बात हो रही है। इन्होंने कहा भैया अब 1 करोड़ से तो ज्यादा, लेकिन कितना, बट 10 करोड़, ठीक है। एनुअल टर्नओवर की बात हो रही है, 5 करोड़ से तो ज्यादा, लेकिन कितना, 50। अब यही चीज मीडियम की बात की जाएगी तो और बढ़ जाएगा, 10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा नहीं, टर्नओवर 50 से ज्यादा लेकिन 250 करोड़ से ज्यादा नहीं। तो प्लीज आपको याद रखना है अप टू, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, 1 से 10 और 5 से 50, क्या बोल रहा है, 10 से 50 और 50 से, कुछ गलत लिखा, हाँ बेटा किसका, हाँ हाँ 50 से, इन्होंने कहा कि 50 करोड़ से ज्यादा, ओके 2.5 करोड़ से भी ज्यादा कर दिया, यस। एक मिनट रुको, यहां देखो, बट ये जो, अच्छा ये एरो तो है ना बच्चा, एरो मतलब क्या होता है, लिमिट कर देता है ना, ठीक है। चलो लेकिन एक चीज नोटिस करो, उन्होंने कुछ गलती करी है क्या, यहां पर ये, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब बताओ, इक्वल टू, ठीक है, यहां पे पढ़ लो, देखो अगर कंफ्यूजन है तो क्या लिखा है, नॉट एक्सीडिंग, क्या लिखा है, 50 करोड़ रुपीज टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग लिखा है ना, खत्म, बस वहां पे नंबरिंग है। तो एक काम करो, ये देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान देंगे, ये आ जाओ, MSME include all the establishment engaged in the, चाहे वो manufacturing का काम करो, चाहे वो render service, but does not include enterprises जो engaged है किसमें, trading activities, याद रखना, जो भी enterprises क्या काम कर रही है, trading, इन्होंने साफ साफ बोल दिया हमारा focus किसमें है, manufacturing में, या फिर services render करने में। अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी में, तो हमारी नजरों में क्या नहीं है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं है, क्या ये बात समझ में आ रही है। दो चीजों का ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोल रखा है, एक इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा क्या है, टर्नओवर, दोनों के बीच में और नहीं है, दोनों के बीच में एंड है। सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे यही होती है कि और ध्यान में रह जाता है, तो और जब रहता है तो दोनों में से कोई एक कंडीशन रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया, क्या है ये, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है, एक अग्रीमेंट ही होता है एक तरीके से, ठीक है। एनी पर्सन इंटेंट टू एस्टेब्लिश, जिसको भी बनाना है, क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, जो बनाना है बनाओ, क्या लिखा है, मे एट डिस्क्रिएशन, डिस्क्रिएशन मतलब अपनी मर्जी से कोई भी बना रहा है, ठीक है। अगर बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी गुड्स जो आप बना रहे हो, स्पेसिफाइड कर रखे, फर्स्ट शेड्यूल, IDRA,
इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इन्होंने कहा फर्स्ट शेड्यूल में जो भी लिस्ट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी गुड्स को बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप हमारे लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में आ रहे हो, तो उन्होंने बोल दिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको मेमोरेंडम फाइल करना चाहिए। ठीक है, किसको? जो भी अथॉरिटी स्पेसिफाइड है, बताइए क्या अथॉरिटी? नहीं, अथॉरिटी जो भी स्पेसिफाइड बाई दी स्टेट गवर्नमेंट या फिर बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? पक्का? चल क्या लिखा है? मेजर्स। मेजर मतलब क्या होगा? चेक करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रमोशन और डेवलपमेंट। सीजी टाइम टाइम पर चेक करती रहती है कि भाई प्रॉपर फैसिलिटी दी जा रही है कि नहीं, प्रमोशन डेवलपमेंट एनहेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉम्पिटेटिवनेस, अगर कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली सारी चीजें बढ़ती जाएंगी, चाहे वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की हो। ठीक है, कैसे, क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए? बाय वे ऑफ, अगर हमें दिख रहा है कि भाई क्या बढ़ाया जा रहा है, स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, एम्प्लॉयज की स्किल को डेवलप किया जा रहा है, तो यस, ये चेक करने का तरीका है कि हम यहाँ पे इनको प्रमोट या फिर डेवलप कर रहे हैं कि नहीं। तो किन किन तरीकों से पता चलेगा? पहला तरीका क्या है? स्किल इन एम्प्लॉयज या फिर मैनेजमेंट में स्किल्स की बात हो रही है, एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है, प्रोविजनिंग, क्या चीज, टेक्नोलॉजीज दी जा रही है क्या, अपग्रेडेशन हो रहा है, मार्केटिंग असिस्टेंस मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिल रही है क्या, क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टर? क्लस्टर मतलब होता है ग्रुप। क्लस्टर मतलब क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप में डेवलपमेंट हो रहा है क्या सच एंटरप्राइजेस, या फिर बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड लिंकिंग दी जा रही है क्या, मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट किया जा रहा है क्या? अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, सीजी ये टाइम टाइम पर चेक करता रहता है, तो हम मान लेंगे कि यस आप क्या प्रमोशन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही है। क्लियर है? हेडिंग क्या लिखा है? एक कॉमन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताओ, कॉमन एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रिस्क्राइब फीस के साथ, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को दे दो। चलो अब वो अथॉरिटी देखेगी, वेरी गुड, अब वो अथॉरिटी देखेगी, चेक करेगी, चाहे तो आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग सकती है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर आपको रिजेक्ट कर सकती है या फिर एक्सेप्ट कर सकती है, कॉमन यही है। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा और कंटेंट इकट्ठा करते हैं। पहला, इन्होंने बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इस पोर्टल में बस जाना है, फॉर्म होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? हर जगह हम देखते हैं फीस, इन्होंने क्या बोल दिया? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हमको डेवलप करना है, बिजनेस छोटा है इनका, तो हम इनसे फीस नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? आपको क्या देना पड़ेगा? आधार नंबर। तो जब भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दोगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये सब तो रहेगा, आधार पैन ये सारी तो चीजें रहेंगी। चलिए, इन्होंने कहा कि अगर आप सिंगल बिजनेस कर रहे हो तो उसी सिंगल बंदे का आधार, अगर आप पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हो तो भैया पार्टनर्स का आधार हमें चाहिए होगा, अगर आप एचयूएफ बन के बिजनेस कर रहे हो तो हमें किसका चाहिए होगा? कर्ता का आधार। नॉर्मल बातें लिखी है। ठीक है, इनकेस अगर आप कंपनी हो या फिर एलएलपी हो या फिर कॉर्पोरेट सोसाइटी हो या फिर नॉर्मल सोसाइटी या फिर ट्रस्ट हो, ये सारे टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई आपका हमें क्या चाहिए? जीएसटी चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, देन आपका पैन चाहिए और उसके साथ आपका आधार नंबर भी चाहिए। ठीक है, इनकेस एंटरप्राइजेस ड्यूली रजिस्टर्ड एज एन, क्या लिखा है, उद्यम में अगर आप ऑलरेडी हो विद द पैन, तो एनी डिफिशियंसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर डिड नॉट हैव पेन शेल बी फाइल्ड अप द सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। पेन दे दो, पेन में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कमी है, तो प्लीज आप डिक्लेरेशन देकर उस कमी को पूरी कर सकते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। नेक्स्ट क्या लिखा है? नो एंटरप्राइज शेल फाइल मोर देन, क्या लिखा है, एक ही मिलेगा आपको, बस यही बातें लिखी है। हाउएवर इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंट, अगर आपने कुछ गलत लिखा उसमें, मतलब कुछ झूठी बातें बताई, अटेम्प्ट टू सप्रेस, सप्रेस मतलब क्या, छुपाया, वेरी गुड, दिस सेल्फ डिक्लेयर फैक्ट्स, जो आपको खुद से बताना चाहिए था आपने छुपाया है, अपरिंग जो भी है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, अपडेट वगैरह करने के लिए आपको पेनल्टी से गुजरना पड़ेगा। कुछ नहीं, जनरल बातें लिखी थी, लेकिन यस अब इतने सारे चैप्टर पढ़े, उन सब में इतनी जनरल जनरल प्रोसेस पढ़ी है, तो आपको शॉर्ट में एक प्रोसेस तो इसका भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चले अब क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट, पहला, एन एंटरप्राइजर फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्पस विल नोन एज, क्या बोलते हैं, अभी ऊपर ही पढ़ लिया था, उद्यम ही है, इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन। कुछ अनोखी बात बताइए, चलिए क्या, नहीं, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी गिवन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, कॉमन बातें बोल रहे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इश्यू ऑनलाइन, जनरल बातें लिखिया।
ये ऑनलाइन कैसे दिया जाएगा, आप अपनी ईमेल आईडी देते हो, आपकी ईमेल आईडी में दे दिया जाता है, ठीक है। दिस सर्टिफिकेट हेल्प विल हैव, क्या लिखा है, डायनेमिक, डायनेमिक बोले तो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्यू आर कोड, क्यू आर कोड तो आपको मालूम है ना, आजकल स्कैनर्स आने लगे, उस फॉर्म में आ गया, ठीक है। फ्रॉम विच द वेब पेज आर पोर्टल डिटेल्स अबाउट द एंटरप्राइजेस, उसमें आप डायरेक्ट चले जाओगे, ठीक है। दे विल बी नो नीड ऑफ द रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन, रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। नो एंटरप्राइजेस विल फाइल मोर देन, क्या लिखा है, ये तो रिपीट है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, पहला आप पढ़ोगे, पढ़ो फटाफट। सबसे पहला फायदा क्या है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन, ऊपर ही पड़ा था, बार बार रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पेपरलेस है क्योंकि सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। देन रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बताओ हेडिंग क्या है, एनी नंबर ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस बोथ में भी स्पेस एड इन वन रजिस्ट्रेशन, कुछ भी एक्स्ट्रा एक ही रजिस्ट्रेशन में सारी न्यू एक्टिविटी एड ऑन करते जाइए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखा है, कौन सा वाले की बात कर रहे हो, बाद वाला है ना, हाँ। बेनिफिट्स ऑफ स्कीम, आए दिन मिनिस्ट्री नई नई स्कीम्स लेकर आती है इनके लिए, ठीक है, उस स्कीम का ये लोग फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, वेरी गुड। बिकम एलिजिबल फॉर द प्रियोरिटी सेक्टर फॉर लैंडिंग फ्रॉम दी बैंक्स, बैंक से प्रॉपर इनको लोन की फैसिलिटीज भी मिलेगी क्योंकि ये प्रमोशन डेवलपमेंट चल रही, तो आए दिन स्कीम्स आती रहती है। चलिए अब ये क्या लिखा है, एनएसआईसी क्या होगा, बताओ क्या होगा, आगे कहीं बताया क्या इन्होंने। देखो तुम्हारी जो बुक है इसमें उन्होंने बोला पूरा एक्ट अप नहीं देने वाले, क्या देंगे, बस आपको ओवरव्यू, तो कुछ चीजें बिल्कुल शॉर्टकट में दे देते हैं नालायक लोग। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए तो स्मॉल, अब अगर आपको याद होगा तो ये वर्ड उन्होंने ऊपर यूज किया था, कहा बताओ, सप्लायर की डेफिनेशन याद है, जाओ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन बीइंग अ कंपनी रजिस्टर्ड, ये सप्लायर की डेफिनेशन में थी और ये एज अ कंपनी रजिस्टर्ड भी एज पर पुराना उस टाइम पे जो एक्ट चल रहा था, ठीक है। चलो इन्होंने क्या बोला है, एनएसआईसी एनलिस्ट, ये क्या एक तरीके से माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है अंडर दी सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, ये एक स्कीम के तहत है, ठीक है। फॉर द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट परचेजेस, क्या करती है, गवर्नमेंट परचेजेस में, मतलब ये सप्लायर की तरह ये रोल प्ले करती है। द यूनिट एनलिस्ट अंडर अ सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम ऑफ द एनएसआईसी आर एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स, वो यहाँ पे बेनिफिट्स उठा सकती है जो यहाँ पे ऑर्डर वगैरह दे रखा है। तो इन शॉर्ट अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी उनका बैकग्राउंड बताया, बैकग्राउंड में क्या बताया, वापस फुल फॉर्म बताओ, एनएसआईसी का फुल फॉर्म बताओ, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। इन्होंने कहा भाई ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से क्या है, गवर्नमेंट परचेजेस में एक तरीके से एनलिस्ट है, सरकार ने ऐसे पूरी लिस्ट दे रखी है कि हम आपको है ना माल दे रहे हैं, आपको इसे क्या करना है, सप्लाई करना है। तो इन्होंने अपने आप को बस कुछ नहीं एनलिस्ट करवा के रखा है, रजिस्टर्ड करवा के रखा है। बोथ मैन्युफैक्चरिंग को चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, एंटरप्राइजेस जो भी इसमें एंगेज हो रही है, या फिर क्या लिखा है, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आर एलिजिबल फॉर ऑप्टेनिंग, इन सबको क्या मिल जाएगा, एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। नीचे सीधा उन्होंने बोल दिया है कि हम आपको बहुत सारे एक्सटेंडेड बेनिफिट्स देते हैं वैलिड अगर आप रजिस्टर्ड हो, तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या होता है टेंडर, गवर्नमेंट के है ना, गवर्नमेंट के कुछ भी काम आते हैं तो उसके टेंडर्स भरने पड़ते हैं, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको किसमें, ये क्या होता है, अर्निंग्स मनी डिपॉजिट, इससे पहले सुना है क्या, हाँ सही कह रहे हो, देखो वर्ड के मीनिंग में गए तो वेरी गुड। अब एडवांस पे करना, क्या करना होता है, एडवांस, फॉर एग्जाम्पल मुझे कार खरीदनी है तो कार अभी आई नहीं है, कुछ एक एडवांस पे करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे लोन है ना, लोन में एक टोकन मनी, कहीं भी हमें कुछ भी खरीदना होता है तो आपको क्या करना होता है, एक टोकन मनी जमा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जमीन खरीदनी है तो हम बुकिंग कर देते हैं, भाई अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो अब टोकन मनी दे दिया, एक एडवांस दे दिया, वेरी गुड, डाउन पेमेंट। तो लीगल टर्म में उसे हम क्या बोलते हैं,
ये सब हमारे कॉमन लैंग्वेज में यूज होते हैं, डाउन पेमेंट हो गया, ठीक है, एडवांस दे दिया, टोकन मनी दे दिया, लेकिन लीगल लैंग्वेज में से हम क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है। तो चलो, इन्होंने क्या बोल दिया, आपसे हम कुछ नहीं लेने वाले, जब काम हो जाएगा तब एक बार में आपको देना पड़ेगा, आपको अलग से कुछ भी एडवांस डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल अगर जो कंपनीज होती है उन्हें क्या देना पड़ेगा, पहले डाउन पेमेंट देना होगा। तो इससे भी हमने आपको क्या दे दी, छूट दे दी। नेक्स्ट, और क्या छूट मिल रही है, इन द टेंडर पार्टिसिपेटिंग एमएसएमई कोटिंग प्राइस, एक कोटिंग प्राइस होती है विद इन द प्राइस बैंड, ये क्या लिखा है, 11+ क्या लिखा है, 15%, 15% होता है एक्चुअल में ये, शेल अलाउड टू बी सप्लाई अ पोर्शन ऑफ द 25% रिक्वायरमेंट बाय ब्रिंगिंग डाउन देयर प्राइस, क्या लिखा है, L1 प्राइस, वेयर द L1 इज अ नॉन एमएसएमई। अब देखो, इन्होंने इस सब टर्म्स जो है देखो बताए नहीं, लेकिन होती क्या होती है, एक लिस्ट होती है, लिस्ट होती है, लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होती है, तो उसके हिसाब से इन्होंने डिटेलिंग दी नहीं है, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे के बता दिया है कि भाई आपकी जो टेंडरिंग होती है वो प्राइजेस को लिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो लिस्ट 1 के हिसाब से आपको क्या होना चाहिए, 15% आपको अलाउ कर दिया जाएगा, कितना, जो भी आप सप्लाई करो, पढ़ क्या रहे, एक सप्लायर है, तो सप्लायर की इनके रूल्स रेगुलेशन की बात हो रही है, इन्होंने कहा कि हम आपको 15% तक अलाउ कर देंगे, कितना आपका सप्लाई का कितना पोर्शन, जो भी आपका माल बिकने वाला है उसका 25% तक की बात हो रही है, ठीक है। देन क्या लिखा है, कंसोर्टियम फैसिलिटी फॉर दी, क्या लिखा है, ये है इंपॉर्टेंट, व्हाट यू मीन बाय टेंडर मार्केटिंग, टेंडर तो समझते हो, सिंपल टेंडर वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर ये एक इंग्लिश वर्ड है तो उसका मतलब क्या होता है, एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब ऑफर होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ऑफर। अब हम बोलते हैं भैया गवर्नमेंट टेंडर ओपन हुआ है, तो आप सरकार ने उसे क्या किया है, ऑफर दिया है, आप इस ऑफर को क्या करते हो, एक्सेप्ट, और इसको लीगल लैंग्वेज में जहां पे भी ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ये तो पढ़ा है, ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस। तो टेंडर मतलब ऑफर होता है, अगर कहीं बोल दिया टेंडर फॉर्म तो समझ जाना ये क्या है, ऑफर वाला फॉर्म है, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि भैया टेंडर मतलब क्या होता है, ऑफर। अब इन्होंने बोला भाई इसकी क्या होती है, मार्केटिंग होती है, टेंडर की क्या होती है, मार्केटिंग होती है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आप ये काम कर रहे हो तो टेंडर की जो मार्केटिंग की जो फैसिलिटीज है उसे क्या कर दिया जाएगा, आपको छूट दे दिया जाएगा। हम पढ़ क्या रहे, वापस आ जाओ, क्या पढ़ रहे हैं, बेनिफिट्स, किस चीज के बेनिफिट्स, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया पहला फायदा क्या हो रहा है बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपकी फीस वगैरह नहीं लगेगी, दूसरा आपको डाउन पेमेंट नहीं लगेगी, बस आपको ये वर्ड डाउन पेमेंट यूज नहीं करना है, आपको यही वर्ड यूज करना पड़ेगा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तीसरा, अगर आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम आपको अलाउ कर देंगे, जो प्राइस कोट करना होता है हम आपको कितना, कौन सा वाला अलाउ कर देंगे, 11-15% वाला अलाउ कर देंगे, लेकिन आपके सप्लाई के कितने परसेंट को, 25% को। फोर्थ क्या बोल रहा है, आपको टेंडर की मार्केटिंग करना आपको अलाउड है, टेंडर की मार्केटिंग करना आपको अलाउड है, मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट काम करो। अब क्या होता है, मैं ये काम करूँ तो सिंगल मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं भी तो अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को रखूंगी, तो इसकी जब आप मार्केटिंग करोगे तो सब में रिस्ट्रिक्ट कर रखा, बाकी सारे लोगों को क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उनका बड़ा वेंचर है, वो खुद से सारे काम कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि भैया आपको फैसिलिटी है कि आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हो और दूसरे लोगों को भी इसमें एंगेज कर सकते हो, क्योंकि आप छोटे लोग हैं इस प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो दूसरे लोग को अपने साथ जोड़ो ताकि आप ये आगे कंटिन्यू काम कर सको, ठीक है। चल चलिए नेक्स्ट लिखे, एवरी सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या फिर पीएसयू, पीएसयू क्या होता है, वेरी गुड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शेल सेट अ एनुअल गोल, आपको एक एनुअल गोल दिया जाता है 25% ऑफ द टोटल एनुअल परचेज ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस का, पूरे साल भर का जो भी होगा उसको जो 25% होता है ये आपका गोल होता है, आउट ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 25% प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द एमएससी, 4% एनमार्क कर रखा है बच्चा यूनिट ओन बाय द एनी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ड्राइव, 3% एनमार्क कर रखा है किसके लिए बच्चा, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, एसपीआरएस रजिस्ट्रेशन अंडर दिस इंटरनल पोर्ट ऑफ दी सप्लाई चेन गवर्नमेंट। चलो शॉर्ट में बता रही हूँ, इन्होंने क्या बोल दिया, सीजी ने क्या कर रखा है, एवरी सेंट्रल मिनिस्ट्री पीएसयू को क्या बोल दिया, भैया आपके लिए एनुअल गोल सेट है जिसमें से हमने आपको क्या बोल दिया, 25% टोटल में से आपको इसका एनुअल परचेजेस कर लेनी चाहिए, आप सरकार से ये परचेस करते हो, पढ़ क्या रहे हैं, वापस आ जाओ, ये क्या है,
एनएसआईसी एक सप्लायर है, ये गवर्नमेंट से चीजें खरीदता है ताकि इन लोग को दे सके, किनको, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, ठीक है। अब अगर इसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है तो उसे ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी, ये इजीली सप्लाई कर सकता है। इसका एनुअल गोल क्या होता है, सरकार से 25% तक का खरीद लेने का। अब इन्होंने सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है, अगर यही SC ST लोग हैं तो कितना दे दिया है, 4%। देन विमेन्स को भी बोलते हैं भैया आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो, तो इनके लिए क्या दे दिया है, 4%। तो ये अलग अलग, सॉरी 3%, ये अलग अलग क्राइटेरियाज बस दे रखा है, सेट कर रखे हैं गोल्स, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा है, एमएसएमई का स्कीम में आती हूँ मैं, एक फर्स्ट शेड्यूल जो IDRA में दे रखा है, मैं उस इंडस्ट्री का बिजनेस करती हूँ, ठीक है, मैं एक इंडस्ट्री लाइन में, अगर मुझे एमएसएमई वाली स्कीम में आना है तो मुझे क्या क्या और फायदे मिल सकते हैं। तो एमएसएमई की स्कीम पूरी इन्होंने यहाँ पे बता के रखी है, ये पूरी लिस्ट है, ये देखो क्या लिखा है। अब ये नाम आपने सुने होंगे, ठीक है, नाम बस सुने होंगे, क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दूसरी स्कीम क्या लिखा है, सेकेंड लोन फॉर अपग्रेड करना है किसको, एग्जिस्टिंग, ये क्या है, अगर आप एग्जिस्टिंग क्या हो, PMEGP हो, मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में ऑलरेडी हो, तो आपको सेकंड लोन दिया जा रहा है, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, मुद्रा यूनिट बोलेंगे। नेक्स्ट लिखा है क्रेडिट गारंटी स्कीम, किसके लिए, फॉर माइक्रो और स्मॉल लिखा है, मीडियम लिखा तो मीडियम नहीं है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, माइक्रो स्मॉल, देखो सबसे पहले ध्यान रखना सबसे छोटा बिजनेस माइक्रो है, थोड़ा सा बड़ा स्मॉल और बड़ा मीडियम, तो सबसे ज्यादा फायदा जो मिलता है वो माइक्रो और स्मॉल दोनों को साथ में पहले ही मिलता है, मीडियम थोड़ा सा बड़ा बिजनेस होता है, तो देखना ज्यादातर स्कीम में मीडियम मिसिंग रहता है, ठीक है। चलो क्या लिखा है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्या लिखा है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लस्टर का मतलब बताया था जो ग्रुप में मिलता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, स्कीम ऑफ फंड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मतलब जो पुराने तौर तरीके से चल रही होंगी इंडस्ट्रीज, मॉडर्नाइज नहीं हुई है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम्स, देन असिस्टेंट टू द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कीम, देन क्या लिखा है, कोई विकास, ये सब हिंदी वर्ड है, योजना, ठीक है। फिर क्या, या फिर शॉर्ट में क्या बोलेंगे, अम्ब्रेला स्कीम बोल सकते हैं इसे, स्किल अपग्रेडेशन है, ठीक है। या फिर क्या लिखा है, महिला, ठीक है, देन कोर योजना, कुछ नहीं उनके लिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग, किसका, सपोर्ट स्कीम, देन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन स्कीम। नेक्स्ट क्या लिखा है, ST ST हब स्कीम, स्कीम फॉर प्रमोशन इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप, क्रेडिट गारंटी, ये सब नाम है, रिलायंट मतलब, वेरी गुड, सेल्फ डिपेंडेंट, रिलायंस भरोसा, रिलायंट मतलब भरोसा, तो अपने आप पे भरोसा रखो, शॉर्ट में बोलो तो सेल्फ डिपेंडेंट। फिर क्या लिखा है, MSME समधन संबंध, सॉरी धन लगा मुझे, ठीक है। चलो ये पूरी क्या थी, पूरी लिस्ट क्या थी, स्कीम। अब देखो, अब सबसे पहले नाम से ही काम समझना, पहली बात तो ये, ठीक है। जो 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 नाम दे रखा है उसमें इन्होंने पूरा का पूरा अपना, चाहे वो हिंदी वर्ड हो चाहे वो इंग्लिश वर्ड हो, नाम में ही काम बता के रखा है, और अंदर उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया, आपको भी जाना नहीं है, आपको बस क्या जाना है कि इसका कोर काम क्या है, जैसे कि यही वाला ही देख लेते, एमएसएमई, ठीक है, जो भी उन्होंने संबंध बोल रखा है, आ जाओ, लॉन्च कर रखा है क्यों, ताकि वो क्या करवा सके, एस डी पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल में, हुज मेन ऑब्जेक्ट, आपको ढूंढना क्या है, आपको हर स्कीम का क्या ढूंढना है, मेन ऑब्जेक्ट ढूंढना, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मॉनिटर करना, या फिर क्या करना, इम्प्लीमेंटेशन, किसका, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम द एमएसई, एमएसई मतलब क्या है, स्मॉल, सॉरी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम नहीं है, ठीक है, बाय दी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, तो इनका मेन काम यही है, क्या करवाना, मॉनिटर करना, और क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, किसको, जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, जो भी जनता के लिए ली हुई चीजें, प्रोक्योरमेंट मतलब लेना होता है, ऑप्टेन करना होता है, जो भी जनता के लिए ली हुई चीज है, इनके लिए ली हुई चीज है, उसे मॉनिटर करो कि भाई सही से वो सारी चीजें यूज हो रही है कि नहीं, बस मेन काम ढूंढो। अब बताओ इसका मेन काम क्या होगा, सेल्फ डिपेंड करने के लिए इन्होंने एक फंड बनाया है, जो स्कीम है, ठीक है। अब देखो अचीविंग क्या लिखा है,
ये है मेन का, लिवरेज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को एक तरीके से फंडिंग दी जा रही है, बोरिंग दिया जा रहा है, ताकि वो क्या कर सके, सेल्फ डिपेंड हो सके. आपको कोर काम ढूंढना है, ठीक है. नेक्स्ट, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्या प्रोवाइड करना, सबऑर्डिनेट डेट. बोले तो एक होता है मेन लोन देना, फिर मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने किसी और को फिर लोन दे दिया, सबऑर्डिनेटेड, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, अब इसका क्या मेन काम होगा बताओ, नेटवर्किंग ऑफ द लाइवलीहुड बिजनेस, ठीक है. ये क्या लिखा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स, समझते हो आप, इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है, रूरल और जो अंडरसर्व एरियाज हैं उनको प्रमोट करने के लिए. नेक्स्ट, नेशनल SC ST हब, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रोफेशनल सपोर्ट देना, किसको, ST SC को. तो बस मैं आपसे कह रही हूँ, स्कीम का मेन काम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, पक्का. तो पूरी स्कीम की लिस्ट है, हम पढ़ क्या रहे वैसे, ये क्या थी, जो भी स्कीम आपको लेनी है तो वो जो स्कीम की डिटेलिंग होगी, बेनिफिट्स होंगे, वो आपको मिल जाएंगे. जो आपको स्कीम लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. चलिए, क्लियर है बच्चा? हाँ बेटा बोल. हाँ बता दी, क्या इसकी क्या स्कीम है. हाँ देखो, इन्होंने क्या बोल दिया, एक्चुअली ये स्कीम तो इसी की है ना, अगर नाम बोलोगे, एक मिनट रुक जाओ, बताइए एक्ट का नाम क्या है. एक्ट के नाम में जाओगे तो माइक्रो भी है, स्मॉल भी है, मीडियम भी है, ठीक है, और बोल दिया इसका डेवलपमेंट एक्ट है, यही है. इन्होंने बोला स्कीम तो MSME की है, कुछ स्कीम्स एप्लीकेबल है माइक्रो के लिए, कुछ है स्मॉल के लिए, कुछ है मीडियम के लिए, लेकिन जनरल रूल क्या होता है, माइक्रो और स्मॉल साथ में चलता है, मीडियम नहीं चलता है. तो इन सब को हम यही बोलेंगे MSME स्कीम, इसको भी MSME, सबके आगे MSME तो है, डीम्ड है, क्योंकि है तो स्कीम की लिस्ट ना, MSME की स्कीम. अब इसमें इन्होंने साफ बोल दिया, भैया हम बस इसको प्रमोट कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल को, इसके अंदर डिटेलिंग में बता के रखा है. देखो नाम से इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई इसमें तो मीडियम लिखा है ना, नाम के आगे मीडियम लिखा है, लेकिन अंदर की डिटेल में जाओगे तो मीडियम नहीं है. तो इसके लिए तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके नाम के आगे MSME लिखा है, MSME की स्कीम है ये, MSME, लेकिन डिटेलिंग में आपको पता चलेगा ये किसके लिए और किसके लिए नहीं है, ठीक है. चलो नेक्स्ट, हेडिंग क्या लिखा है बताओ, क्या ये काउंसिल, आपकी CS की भी काउंसिल होती है मालूम है, ये क्या है आपका, आपने कभी सुना होगा ICSI काउंसिल, सुना है, ऐसे लिखा रहता है, ये क्या होते हैं काउंसिल, आपके इंस्टीट्यूट का काउंसिल, ग्रुप ऑफ मेंबर्स ही होते हैं. ये काउंसिल का काम क्या होता है, रिकमेंड करना, क्या रिकमेंड करना, हमारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स वगैरह रिकमेंड करना. अगर आपको याद हो, ये नाम आपने वहीं पढ़ा था जब हम SS1 SS2 पढ़ रहे थे, तो उसमें ये काउंसिल जो बोलेगी, काउंसिल जो बोलेगी, सेम जब हम CA इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो उनका भी क्या होता है, काउंसिल होता है. तो सेम जब हम यहाँ की बात करेंगे तो इनका भी क्या होगा, एक काउंसिल होगा, एक बोर्ड है. बोर्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, देखने की कि सारे काम एज पर रूल्स रेगुलेशन हो रहे हैं कि नहीं. यहाँ पे वो नेशनल बोर्ड है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है. तो ऐसे ही काउंसिल होती है, काउंसिल रिकमेंड करती है. तो जो बोर्ड होती है और जो काउंसिल होती है, ये मिलकर बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या चीज मिलनी चाहिए और क्या चीज नहीं. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फैसिलिटीज की बात हो रही है, ठीक है. शॉर्ट में आ जाओ, Section 20 बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट शेल बाय द नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश वन और मोर, ठीक है, फैसिलिटेशन काउंसिल्स ओपन करके रखे एट सच प्लेस, जहां जहां जरूरत है वहां वहां ये फैसिलिटी देने के लिए, एक्साइज सच ज्यूरिडिक्शन एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी नोटिफिकेशन. तो इन शॉर्ट ये काम किसको मिल रखा है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, जहां जहां जरूरत होगी एक या एक से ज्यादा इस काउंसिल को ओपन कर लिया जाएगा ताकि फैसिलिटीज मिल सके. अब कौन सी फैसिलिटीज मिले, जो हमने पूरे पूरे ऊपर ही पढ़ लिए थे कि भैया हमें प्रमोशन करना है, हमें डेवलपमेंट करना है, तो ये सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए. चलिए, तो अंडर सेक्शन 18 की बात हो रही है, एनी पार्टी टू डिस्प्यूट में विद रिगार्ड टू एनी अमाउंट ड्यू, किसका भी डिस्प्यूट चल रहा है तो ये इनके पास जाएंगे, वो इनके डिस्प्यूट को रिजोल्व करेंगे, ठीक है, माइक्रो स्मॉल जो भी फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके पास. ऑन रिसीप्ट ऑफ द रेफरेंस काउंसिल शेल, ये पूरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है, प्रोसेस, जिसको भी दिक्कत है वो कहां जाएंगे, इस काउंसिल पास. काउंसिल क्या करेगा, उनकी बातें सुनेगा, बातें सुनने के बाद क्या करेगा, अपना एक डिसीजन देगा जो सामने वाले को फॉलो करना पड़ेगा. वो कौन से केसेस से डील करेगा, जो उनके ज्यूरिडिक्शन में, ज्यूरिडिक्शन बोले तो एरिया, श्रेयांश मोबाइल छोड़ दे, लाइक वेयर द काउंसिलेशन इनिशिएट
इज नॉट सक्सेसफुल स्टैंड टर्मिनेटेड विदाउट एनी सेटलमेंट बिटवीन दी पार्टीज. अब इन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पर कि क्या नहीं हुआ, इनिशिएट नहीं कर पाया, मतलब केस चालू ही नहीं कर पाया और पहले क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया. विदाउट एनी स्टेटमेंट बिटवीन दी पार्टीज द काउंसिल शेल आइदर इटसेल्फ टेक अप द डिस्प्यूट ऑफ द, क्या लिखा है, आर्बिट्रेशन या फिर रेफर टू एनी इंस्टीट्यूट सेंटर प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. क्या ये टर्म जानते हो, आर्बिट्रेशन समझते हो? इन सारे जो भी थर्ड पार्टी जो आपके मैटर को सॉल्व करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अगर काउंसिल के पास मैटर आता है वो इनिशिएट नहीं करते हैं तो खुद से आर्बिट्रेशन की तरह वो काम कर सकती है या फिर वो कहीं और आपको सेंड कर देगी, जो भी ऑल्टरनेट तरीका होगा. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये सारी बातें बताई है. नीचे आ जाओ सीधा यहाँ पे. एवरी रेफरेंस मेड सेक्शन क्या बोल रखा है, कितने दिन के अंदर, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग सच रेफरेंस. यहाँ पे रेफरेंस की बात हो रही है, जो भी आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन. अब इन्होंने बस इसका रेफरेंस दे दिया, इनकी डिटेलिंग नहीं बताएंगे. क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि अब मैटर कैसे सॉल्व होगा, आर्बिट्रेशन या फिर कंसिलेशन, ये भी आपने पढ़ा होगा. ज्यादा फॉर्मल कौन सा होता है, ज्यादा फॉर्मल होता है. ठीक है, चलो ये कंपैरिजन वाइज कम होता है. इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, डिपॉजिट करना है, कितना डिपॉजिट करना है, 75. रीड करूं, सेक्शन 19 बोलता है, एमएसएमईडी एक्ट बोलता है, नो एप्लीकेशन सेटिंग असाइड एनी डिग्री. डिग्री समझते हैं, ये सारे टर्म देखो जिगल के अब. ठीक है, ऑर्डर जो भी पास किया जाता है, सेटिंग असाइड एनी डिग्री अवार्ड और एनी ऑर्डर मेड बाय दी, ठीक है, काउंसिल इटसेल्फ. काउंसिल ने अगर खुद से किया है तो खुद से कोई भी डिग्री या कुछ भी दे रखा है, इंस्टीट्यूशन सेंटर जो भी कर रखा है. ठीक है, रेफरेंस मेड बाय दी काउंसिल शैल बी एंटर बाय एनी कोर्ट अनलेस. अगर ये केस बड़ा हो जाता है, छोटे लेवल में रिजॉल्व नहीं होता है, तो ये केस कहां पहुंचता है, कोर्ट के पास. कोर्ट के पास एक तरीके से अपील भी है. अब कोर्ट के पास केस जाएगा तो कोर्ट आपके केस को नहीं सुनेगा जब तक आप क्या ना कर दो, जो भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट में, फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन या नीचे लोअर लेवल में जिसने भी बोल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल ये केस आप हारते हो, आपको इतना आपको 10 लाख तो देना पड़ेगा, केस हार गए आपको 10 लाख देना पड़ेगा, आप खुश नहीं हो इस डिसीजन से, ये कहां जाएंगे, कोर्ट. मेरा और इन लोग का डिस्प्यूट है, मेरे लोअर वाले आर्बिट्रेशन सब ने क्या बोल दिया, आपको 10 लाख मुझे देने चाहिए थे, तो कायदे से 10 लाख देने चाहिए, लेकिन आप खुश नहीं हो तो आप कहां जा रहे हो, कोर्ट में. कोर्ट ने कहा कि मैं बात नहीं सुनूंगा जब तक क्या ना करो, 75% डिपॉजिट ना करो. अब 10 लाख का 75% कितना हो जाएगा, 7.5 लाख देना पड़ेगा. इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि पहले कोर्ट के पास डिपॉजिट करो, ताकि हर कोई ना संतुष्ट कभी नहीं होता है, उन्हें लगता है अपील का मौका है तो चलो अपील कर दो, तो पहले आपको देना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो इन्होंने डिटेलिंग नहीं बताई है, होता है क्या है, सीन समझना. आप कहोगे पैसे नहीं है तभी तो हम आपके पास आ रहे हो, तो कोर्ट चाहे तो आपकी बातें सफिशियंट कॉज सुन सकता है और आपके अमाउंट को कम भी कर सकता है, कम कर सकता है. ठीक है, बढ़ाया तो सकता नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि आप रोना धोना मचा रहे हो कि हम इतना कितना दे दे, कैसे दे दे, तो कोर्ट चाहे तो उस अमाउंट को कम कर सकता है. हाँ हाँ, अब केस हो रहा है, केस अब कौन जीत गया, आप जीत गया, आपको पूरा पैसा आपका रिटर्न मिल जाएगा. हार गए तो वैसे भी आपको मुझे 10 देने चाहिए थे ना, तो अभी 7.5 लाख जमा किया है, आपको और कितने देना है, 2.5 लाख और देने हैं ना, देना तो तय है, लेकिन कोर्ट तब आपकी सुनेगा जब आपको 75% देना पड़ेगा. हार गए तो क्या, मुझे को दिए गए ये, लेकिन और आपसे मांगे जाएंगे, लेकिन फिर आपके पास भागने के स्कोप नहीं है. हाँ, अगर तुम जीत गए तो पूरा पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, और गलत केस मैंने जो किया होगा आप पे, इसका पूरा हर्जाना भी आप मुझसे मांगोगे. ठीक है, ये भी होता है कि भाई हमारा लॉयर की फीस लग गई, हमने कोर्ट के इतने चक्कर काटे, इतना खर्चा हो गया, इतना एक्सपेंस भी मांगोगे, हर कोई मांगता है. क्या होता है, आपको ड्राफ्ट करना होता है. क्या ड्राफ्ट करना होता है, कोर्ट के पास एप्लीकेशन, अपने वर्ड अभी समझोगे, सीपीसी सीआरपीसी आईपीसी में एक प्लेंट होता है, कंप्लेंट होता है, सब सुना होगा. ठीक है, प्लेंट कंप्लेंट, ये सारी चीजें आप ड्राफ्ट करना सीखोगे प्रोफेशनल में. ठीक है, तो प्रोफेशनल में जब आप ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी मैं, तो उसमें साफ बताऊंगी मैं पहले क्या लिखना होता है, स्टार्टिंग में पूरी डिटेलिंग्स देनी पड़ती है, फिर आपको पूरी की पूरी केस को कैसे एक्सप्लेन करना, और एंड में आप मांगते हो कोर्ट से कि भाई अगर हम केस जीत गए तो आप पहले से लिखा रहता है कि भैया हमें ये सब चाहिए, तो हमें हमारा पैसा तो चाहिए, प्लस इतना जो ये खर्चा चल रहा है कोर्ट केस में, इन सब का भी पूरा कंपनसेशन चाहिए, तो ये आपको हमेशा लिखना होता है. तो ये कॉमन लाइन होती है, अगर मैं केस जीत गए तो मैं भी यही बोलूंगी, तुम केस जीत गए तो तुम भी ये बोलोगे, एक दूसरे से तो हम ये क्लेम करोगे करेंगे. प्लस अलग से भी चीजें होती हैं, नहीं अब मांगा जाता है हमेशा ज्यादा, मैं मांगूंगी करोड़ों लग गए मेरे, कोर्ट अपनी कैलकुलेशन करेगा और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कम ही देता है हमेशा.
आप करोड़ों लिखो, मिलेंगे हजारे ही, हजार लाख भी नहीं, ठीक है? क्योंकि हम थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कोट अपनी कैलकुलेशन करता है, वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जेन्युइननेस रखता है। हाँ, जैसे मैंने लिखा तो कोर्ट कहेगा कि हाँ इतना बनता है, मैंने करोड़ों मांगे, मेरे तक इतना खर्चा हुआ, मैं डिफेम हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है? कोर्ट कहेगा कि मैं एक बार अपनी कैलकुलेशन कर लूँ, उसे लगेगा कि नहीं भाई मैं अननेसेसरी मांग रही हूँ, तो मुझे कोर्ट कह देगा तुम्हें बस 1 लाख मिलेगा, 1 लाख से एक पैसा ज्यादा नहीं, तो कौन देगा? आप मुझे दोगे, हारी वाली टीम, ठीक है? चलो, समझ में आया? नेक्स्ट क्या लिखा है? कॉम्पोजिशन किसका? ये जो काउंसिल है इसमें कौन बैठता है? फटाफट कौन बैठता है? डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री बाय जो नाम बोलना है बोलो, लेकिन कोई भी ऑफिसर हो सकता है, लेकिन उसकी रैंक कितने से ज्यादा नहीं, ठीक है? ऊपर बता के रखा, ये रुक जाओ, नॉट लेस देन, मिनिमम कितने? 3, बट नॉट मोर देन कितने? मतलब मैक्सिमम कितने? 5, मिनिमम कितने? 3। अब उसमें से उन्होंने बोल दिया एक पोजीशन किसकी होगी? डायरेक्टर की होगी, जिसकी डायरेक्टर से तो रैंक बिलो नहीं होनी चाहिए, जो भी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है। वन और मोर कौन होगा? ऑफिस बेरर हो सकता है, जो रिप्रेजेंट करेगा किसको? माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को स्टेट लेवल में। वन और मोर रिप्रेजेंटेटिव किसको करेगा? बैंक को करेगा। देन वन और मोर पर्सन रिप्रेजेंट किसको करेगा? स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, फाइनेंस, कॉमर्स, इसका एक नॉलेजेबल इंसान होना चाहिए। तो मैक्सिमम 5 लोग रख सकते हो, ठीक है? अब कितने लोग हो गए इनकी काउंटिंग के हिसाब से? कितने रख दिए उन्होंने? 4। तो अगर इन्होंने लिखा ना एक एक से ज्यादा, जरूरत पड़ी है यहाँ से एक एक से ज्यादा की, तो आपकी मर्जी। क्लियर है? फटाफट इसके स्कैनर देख ले अभी 2 मिनट में।